अस्सलाम वालेकुम। याद है जब आप किसी दोस्त के पास बैठकर किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, फला शख्स फला ऑर्गेनाइजेशन का जासूस है और इसका आपके पास कोई सबूत नहीं होता, एंड दैट्स जजमेंट। जजमेंट का मतलब है किसी शख्स के बारे में कोई राय करना, किसी शख्स के बारे में कोई राय। जजमेंट का मतलब है किसी शख्स के बारे में राय काम करना, चाहे वो किसी के लुक्स को देख के किया जाए या किसी के बारे में सुन के किया जाए। जब तक आप किसी को सही तरीके से नहीं जानते, आप उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकते, स्पेशली बुरी राय। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई के बारे में बुरी राय कायम करे कुछ सुनकर, जबकि वो उससे अच्छे मतलब निकाल सकता है। ये बीमारी हमारे माशरे में आम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आसिफ चर्सी लगता है। यार वक्कास बदतमीजी अपने घर वालों से सीखता होगा। यार अब्दुल कुद्दूस ने दूसरी शादी इसलिए की होगी, पहले बीवी से प्यार नहीं मिला होगा। छोड़ो यार, सारे मुल्ले ऐसे ही होते हैं। यार मुझे शकील मोमिन नहीं लगता। क्यों यार, वो मेरे इस्लामिक पोस्ट को कभी शेयर ही नहीं करता। ये लड़कियां ना होती तो सब लड़के जन्नत में जाते। कैसे कैसे पोस्ट डालते हैं। ओए क्या तुझे नहीं लगता अमेरिका के एजेंट है? क्यों, क्यों वो टाई पहनता है यार। समीर गुमराह है। कासिम भाई, आमिर, शहजादे भाई, शरीफ लड़के है। अरे नहीं यार, वो शरीफ बनने की एक्टिंग करता है। अब दुनिया का निजाम ही देख लो, अगर ये बंदा अमेरिका जा रहा हो तो इसको एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज क्लियर करने में नॉर्मल टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये बंदा जाए तो इसको पूरा दिन रखेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ इसके लुक्स के ऊपर इसको जज करेंगे और समझेंगे कि शायद ये एक टी है, जबकि ये एक नॉर्मल सा मुसलमान है जो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है। नाइस वर्क एयरपोर्ट स्टाफ। व्हाट वाज दैट? जस्ट अ बॉम्ब। किसी के बारे में तब तक पक्का फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके दिल का हाल मालूम ना हो, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की है। मैं नहीं कहता कि मैं कभी जज नहीं करता, इनफैक्ट कभी कभी खुद हमारा दिमाग जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात के वक्त मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में एक सुनसान गली में किसी मासूम से लड़के को परेशान देखता हूँ, तो मेरा ख्याल होगा ये इतना परेशान क्यों है, क्या रास्ता खो गया है? मुसलमान होने के नाते मुझे हेल्प करनी चाहिए। सलाम अलैकुम। मैं सिचुएशन को रिपीट करता हूँ, पर उस मासूम लड़के की जगह किसी टॉल डार्क आदमी को रखता हूँ, फिर मेरा ख्याल क्या होगा? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये कोई चोर है? शायद आराम से निकलता हूँ। मेरे ख्याल से रास्ता भूल गया हूँ। See, that's judgment. वो जो टॉल डार्क आदमी जिसे मैं चोर समझ रहा था, असल में वो एक पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है जिसके पास क्यूटेस्ट स्माइल है। Oh, it's too bright. बंद कर। और जिसको मैं शरीफ समझ रहा था, असल में वो 420 फ्रॉड गुटका खोर जो ना दांत ब्रश करता है न बाल। ये झूठ है। गरम शहजाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुआशरे के खुशनुदी के लिए जरूरी है कि हम लोगों के बारे में बुरी राय रखना छोड़ दें और मुसलमान भाइयों के लिए अच्छी राय रखने की आदत डालें। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन स्माइल नहीं था, परेशानी थी। मेरे को ऐसा लग रहा एयरबॉर्न ये कॉन्सेप्ट कहीं से तो भी चोरी किया सो है। जजमेंट बट ट्रू। We're judging people the second they walk through the door. I was at a masjid. A young gentleman walked in. The gentleman was literally covered in tattoos. Completely covered in tattoos. Now obviously somebody like that walks into the masjid, what do we immediately do? Reach for your phone, right? Something bad's about to happen. After Salah, then I started talking to him. Where are you from? Where'd you grow up? What's your name? Started getting to know the brother. And he said, tells me that his uncle was really caught up in the crime ring where he grew up. He said growing up, his mother tried to shield him and protect him from the whole family history there in the family situation, but he said that eventually he joined the family business, dropped out of school, started, you know, slinging drugs, selling drugs on corners. And he said, by the time I was 23 years old, I'd already been to prison twice. So he said, I was arrested for the third time, and he said, I was sitting in jail at night. And he said, sitting there at night, I realized, and he said, at that moment, it finally hit me, my life is over. So he said, at that moment, I just couldn't help myself. He said, in my cell, I fell into sujood. He said, I did sajda, and at that moment, life changed. So I decided, I said, oh Allah, if I'm able to get out of here, I am going to go and become a hafiz of Quran. This man, young man didn't even know how to read Alif, Ba, Ta, Tha. Started from scratch. He memorized the entire Quran cover to cover in 8 months.